नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। अपने पैसे को संभाल कर रखिएगा, ना तो वो जल्दी दुगना करने की लालच में फंसे और ना ही किसी अनचाही ऐप के जाल में फंसे, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर और पूरी इंटरनेट की दुनिया में ऐसे कई ऐप्स मौजूद हैं जो आपके पैसों पर नजर रख रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रख रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वॉइस ऑफ बैंकिंग के अश्विनी राणा जी। अश्विनी राणा जी, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार जी। दूसरे वक्ता हमारे साथ मौजूद है साइबर एक्सपर्ट, पुलिस और विभिन्न जांच एजेंसियों के लिए जो सलाहकार हैं, विजेंद्र सिंह जी। विजेंद्र जी, आपका पंजाब के सीनियर नवोदय टाइम्स में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। विजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आप ही से शुरू करते हैं जी। गूगल ने 5-6 ऐसे एप्स को हटा दिया है अपने प्ले स्टोर से, जो कि अलग अलग बड़े लुभावने ऑफर कर रहे थे, बहुत ही इन्वेस्टमेंट्स के ऐसे ऑफर कर रहे थे कि कोई भी जल्दी से फंस जाए। क्या अभी भी ऐसे एप्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल मैं पहले बताना चाहूंगा, रिसेंटली जो कुछ एप्स वहां से रिमूव हुए हैं, वो आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए एक क्रेडिट अवेलेबल करवाते थे और वो हाई इंटरेस्ट के साथ आपके साथ आपको अवेलेबल करवाते थे। ये पिछले कुछ दिनों यानी लॉकडाउन के पीरियड में जनरेट हुआ है। लॉकडाउन के पीरियड में ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है उन कंपनीज के द्वारा कि लोगों को पैसे की जरूरत थी, उस जरूरत को समझते हुए जो लिजिट कंपनियां हैं, लिजिट जो ओरिजिनल कंपनियां हैं या जो ऑथराइज्ड कंपनी है जो ये लोन वगैरह प्रोसेस लोन देती थी, उन्हीं से मिलते जुलते नाम रखे गए हैं कुछ कंपनियों ने, और वो एक अनऑथराइज्ड रेगुलेटरी के साथ में सर्विस दे रही थी, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था, उनको गूगल ने रिसेंटली रिमूव कर दिया। उनके नाम मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहूंगा, ई कैश, ओके कैश, गो कैश, ट्रिप कैश, स्नैप इट लोन, ये कुछ एप्लीकेशंस थी जो आपको इंस्टेंट क्रेडिट अवेलेबल करवाती थी। यानी जो लोन का ऑफर दे रहे थे और लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, ब्याज थी, वो दर बहुत ज्यादा थी और सरकारी नियम कायदे कानून भारत के नहीं मान रहे थे, यही बात आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, किसी भी फाइनेंशियल रेगुलेटरी की वो गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे थे जी। अश्विनी राणा जी, आपका बैंकिंग का बहुत लंबा अनुभव है, आप पूरे देश के बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े रहे हैं, अभी भी आप एक बहुत बड़ी एसोसिएशन चलाते हैं, यूनियन चलाते हैं, ये बैंक में रखे पैसे पर भी अब ठगों की नजर है और बैंक पल्ला झाड़ लेती हैं। अब देखिए, आपकी बात ठीक है, बैंक पर लोगों की नजर है ठगों की, लेकिन उसके लिए जो कस्टमर है वो ज्यादा जिम्मेवार है अपने उसके सिक्योरिटी के लिए। जैसे अपने अपनी सही कह रहे हैं, बहुत आसान है ये कहना, क्योंकि इंटरनेट का जो जाल है ना अश्विनी राणा जी, उस पे इतना लुभावने वादे या इतनी कंफ्यूजन है कि आदमी फंस जाता है, चाहते हम कस्टमर से बार बार कहते हैं कि लालच में फंसे तो आपकी नैया जो है डूब जाएगी, इसलिए लालच नहीं करना। अभी बहुत से जब एक बैंक में इतना इंटरेस्ट 5% मिलता है, 3% मिलता है साढ़े, तो दूसरी जगह वो ज्यादा कैसे मिल सकता है, तो उसके पीछे कितना कुछ कारण है। ऐसे ही वो जो उन्होंने कहा कि बैंकों से मिलते जुलते नाम बनाकर वो अपनी कोई वेबसाइट बना लेते हैं, कोई ईमेल बना लेते हैं, आरबीआई तक की ईमेल बनाकर वो लोगों को भेजते हैं कि आपका लॉटरी निकला है आपके, तो लोगों को सतर्कता जरूरी है कि बैंक कहता है कि हम आपको कोई ऐसे मेल भेजते नहीं, आरबीआई किसी को ऐसे मेल भेजता नहीं, आपका जो बैंक है जहां पर आपका अकाउंट है, जो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है, उस पर अगर कोई मैसेज आता भी है तो आपको देखना है कि वो जो बैंक के एसएमएस के थ्रू आया है या कोई और मिलते जुलते नाम से आया है, क्योंकि जल्दी में जैसे कहते ना, थोड़ी सी भी अगर हमने लापरवाही की तो दुर्घटना हो जाएगी, तो इसलिए सजगता जो है वो बहुत जरूरी है, चाहे हम पैसे के लिए हो किसी के लिए। विजेंद्र जी, ये थोड़ी सी लापरवाही, वो सजगता कहाँ है, क्या ध्यान देना पड़ता है कि ये ध्यान रखना, नहीं तो हम चीट हो जाएंगे?
जी जी सर, मैं इसके लिए ये बताऊंगा कि हम जब भी कभी कोई इस तरह की एप्लीकेशन, चाहे वो ई वॉलेट हो या कोई बैंकिंग वेबसाइट हो या थर्ड पार्टी कोई इस तरह की एप्लीकेशन जो पेमेंट की या डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग की अपने को सुविधा दे रहे हैं, तो उन एप्लीकेशन को ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करना है। अगर एंड्रॉयड डिवाइस की बात करूँ तो आपको ये सारी जो एप्लीकेशन हैं वो प्ले स्टोर से जेन्युइन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, आईओएस में आई स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, ऐप स्टोर जहां है वहां से आपको डाउनलोड करना है। कहीं से भी आपको अगर कोई लिंक मिलता है, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू या कोई मैसेंजर के थ्रू, ऐसे लिंक आपको कभी भी डाउनलोड नहीं करने हैं, क्योंकि इस तरह के अगर हम लिंक डाउनलोड करते हैं तो उनके साथ कुछ मेलेशियस एप्लीकेशंस भी साथ में डाउनलोड हो जाती है जो आपका बैकएंड में डेटा उठा रही होती है, लाइक यूपीआई आईडी है, आपका पैन कार्ड नंबर है, आपका आधार नंबर है, या आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स से वो चुरा लेती है वहां से। तो हमें ये थोड़ी सी लेकिन सजगता बिल्कुल, रखनी होगी। लेकिन विजेंद्र जी मान लीजिए मेरे पास कोई एसएमएस आया, अब मैं जब तक खोलूंगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जिन्वेन है या फर्जी है? और मैंने जैसे ही खोला, ऐसे एप्स, ऐसी टेक्निकलिटीज आ गई हैं, ऐसी तकनीक आ गई है कि जैसे ही मैंने खोला वो मेरे फोन में एक्टिव हो जाती है। मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसके लिए समझने के लिए आप ये देखिए, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो मैसेज किसके थ्रू आया। अगर आप जिसने किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज, सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, उन्होंने आपको मैसेज किया है, आपके पास वो नंबर सेव होना चाहिए, या आपका वो अननोन नंबर से अगर वो आया तो उसे आप क्रॉस वेरीफाई करें कि उसमें कंटेंट क्या लिखा हुआ है, क्या मैसेज लिखा हुआ है, क्या आपको कोई लोन का ऑफर है, क्या आपको कोई फेस्टिवल ऑफर है, क्या कोई आपको इस तरह की लॉटरी या कोई हनीमून पैकेज या कोई ट्रेवल पैकेज या इस तरह का कोई ऑफर मिल रहा है। तो ये आपको रिसेंटली कहीं आपने विजिट किया है तो उससे आप थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए। तो कभी भी वो आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक नहीं भेजेगा, आपको वो लिंक भेजेगा तो एक नॉर्मल मैसेज होगा टेक्स्ट। अगर वहां पे आपको कोई भी लिंक दिख रहा है तो आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस वेरीफाई कैसे करना है, आप ब्राउजर पे जाइए, उस पर्टिकुलर लिंक को डालिए, क्या वो सेम ऑफर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको डिनाई कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। ये मैं क्योंकि मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे ऑफर्स और बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं जो यंगस्टर्स को लुभाती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जैसा कि जी आप जी अभी बिल्कुल बता रहे हैं कि जो एप्स हैं वो ऑथराइज चैनल से डाउनलोड की जाए, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक गूगल प्ले स्टोर, या यूं दूसरे शब्दों में कहूं कि मैं आपके घर आना चाहता हूं और मैं दरवाजा पड़ोसी का खोलूं, यानी जी गूगल प्ले स्टोर भारत में बिजनेस कर रहा है, भारत में काम कर रहा है, लेकिन भारत का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, अगर मैं सही हूं तो। हाँ, कुछ कंडीशंस में देखा जाए तो प्ले स्टोर की कुछ रूल्स हैं जिन पे, या आप ये कह सकते हो कि कुछ लॉ ऐसे हैं जिन पे इंडियन लॉ अप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे गूगल से कुछ डिटेल्स लेते हैं अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, जैसे गूगल में अगर एक बात करूं तो गूगल पे, जिसे हम जी पे के नाम से हम जानते हैं, वहां पे अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो कुछ डिटेल्स हमें गूगल डिनाई कर देता है, देता नहीं है, क्योंकि वहां अपने इंडियन लॉ और गूगल के लॉ मैच नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये कहना, मैं सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को, स्पेशली यंगस्टर्स को ये बताना चाहूंगा, प्लीज अटेंशन पे करें और सुन लें, जी पे पर अगर कोई फ्रॉड होता है तो गूगल अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ, यानी जो विक्टिम्स हैं या हमारी जो लॉ लीगल एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। इसलिए ध्यान रखें कि जी पे पर कैसे आपको उसे यूज करना है। जी विजेंद्र, वो लिमिटेड लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है, क्योंकि वहां पे लिमिटेड कुछ बाउंडेशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन वो शेयर करता है, जिससे कि केस के इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे केस में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए जिसमें ये सारी एप्लीकेशन, ऐप स्टोर हो, इंडिया का खुद का क्लाउड हो, जैसे कि आपने, मैंने बताया कि गूगल ने रिसेंटली वो 5 एप्लीकेशन हटाई, उनके पीछे रीजन एक ये भी है कि वो एक अलीबाबा के क्लाउड पे स्टोर वो इंस्टॉल थी, या उनका अलीबाबा क्लाउड का वो यूज कर रही थी। अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है, इसलिए एक जी ये भी कारण बनता है उनको हटाने के पीछे। जी 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 यानी यानी अभी भी बहुत सारी एप्स ऐसी भी हैं। विजेंद्र मैं देख रहा था, ऐसी भी बहुत सारी एप्स हैं जो
कि वॉइस कॉल की सर्विसेज देती हैं और उनको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्या वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ कॉपरेट करती हैं? जी सर, इसके लिए कुछ पैनल्स बने हुए हैं जो इसमें लगातार अपना काम कर रही हैं और धीरे धीरे इसमें हमें सफलता भी मिलती जा रही है और इन कॉल्स को ट्रैक करना इजी हो गया है, इनके चैनल को रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू हम ट्रेस कर पा रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑथराइज्ड होनी चाहिए, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन अवेलेबल भी है तो ये सबसे पहले गूगल के द्वारा या ऐप अथॉरिटी के द्वारा, जो प्ले स्टोर की ऐप अथॉरिटी है उसके द्वारा उसे क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि कौन सी एप्लीकेशन जेन्युइन है, कौन सी एप्लीकेशन फ्रॉडस्टर द्वारा बनाई गई है। साथ ही इस तरह की कुछ एप्लीकेशन हैं जो प्रॉक्सी सर्वर्स भी यूज करती हैं, प्रॉक्सी इट मींस वो एड्रेस को हाइड करती हैं, आईपी एड्रेस को हाइड कर लेती हैं। तो मैं मेरा यही कहना रहेगा कि इसमें भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि उन एप्लीकेशन को वहां से हटाया जाए, अगर वो एप्लीकेशन वहां पे है तो उनके पीछे कुछ लीगल राइट्स होने चाहिए उनकी, वो कौन कौन सी उनके ग्रेवेंस ऑफिसर होने चाहिए, वो हमें टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल करवाते रहें। इस तरह की एजेंसियां हमारे साथ काम कर रही हैं तो हम, मेरा ये मानना रहेगा कि वहां पे एक ग्रेवेंस ऑफिसर या नोडल ऑफिसर नॉमिनेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऐप स्टोर के लिए या एप्लीकेशंस के लिए, जिससे कि हमें टाइम टू टाइम प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नहीं, आपको नहीं लगता कि हमारे जो इंडियन लीगल सिस्टम में एक ऐसी विंडो होनी चाहिए जिसका दरवाजा हमारी सरकार के पास खोलने का लॉक हो, कि भाई अगर आपको मान लीजिए ये डाउनलोड करना है तो ये हमारे चैनल से जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि कल को कभी भी किसी भी पॉइंट पर, ये आजकल एक बहस शुरू हो गई है कि जो है इंटरनेट का जो ओपन वर्ल्ड है उस पर सरकार किसी भी तरीके से कोई बंदिश ना लगाए। मुझे लगता है कि इस पर भी काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ न्यूज में देखा है कि चाइना में गूगल की टोटल सर्विसेज बैन है, तो अपने इंडिया में भी ऐसा एक खुद का एक लोकल फॉर वोकल की तरह हम काम कर सकते हैं और एक इस तरह की एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो इंडियन प्लेटफॉर्म हो, इंडिया का ही होस्टिंग सर्वर हो, इंडिया का ही क्लाउड हो और वहां पे वो सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हो, जिससे ये रहेगा जब कभी भी हमें किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में या फर्दर कोई डिटेल्स लेने में, तो वहां हमें इजीली वो मिल सके, इंडियन टाइम्स के साथ मिल सके, इंडियन अथॉरिटी के साथ हमें वो मिल सके। जी, यानी जांच छानबीन और आसान हो सके। मुझे लगता है अश्विनी राणा जी, बैंकों को भी फिर सुविधा होगी, क्योंकि अभी तो बैंक इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उनके पास जो फ्रॉड होता है उसकी क्लाउड या प्लेटफॉर्म या जो टेक्निकली टेक्निकलिटीज में वो फंस जाते हैं, सर्वर की एक्सेस नहीं होती है शायद। आप ठीक कह रहे हो, बैंकों में भी जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है उस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस भी चाहिए। क्या है कि अभी सभी बैंकों ने अपने अपने एक सिंगल ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस की है कि उस ऐप के थ्रू ही आप अपनी मोबाइल बैंकिंग करोगे, आप अपना कार्ड लॉक करोगे, आप अपने कार्ड की लिमिट सेट करोगे, यानी मतलब आप सिक्योरिटी फीचर्स बहुत दिए गए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो जो ऐप है बैंकों का, वो भी बैंक से कन्फर्म करने के बाद ही कि बैंक का ही ऐप है, वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए। और जैसे वीरेंद्र जी कह रहे हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यूज में जरूर जाना चाहिए कि बाकी लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, या जिसने यूज किया है अगर किसी ने उसके साथ प्रॉब्लम फेस किया है या वो फर्जी है तो उसकी जानकारी भी वहां से मिल जाए, यानी कि कुछ भी गूगल। जी अश्विनी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप चैनल या कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, सर्विसेज यूज करते हैं, उसका फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके रिव्यूज और प्रीव्यूज जो हैं वो बहुत सारे लोगों को ठगने से बचा सकते हैं या पीड़ित बनने से बचा सकते हैं। विजेंद्र जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करूंगा, आपको लगता है कि भारत में जिस तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है चीजों का, उस तरीके से सिक्योरिटी पे काम नहीं हो रहा है? आज भी साइबर सिक्योरिटी जो है वो ओपन, एक ओपन हॉल है, ओपन डोर है, कोई भी इजीली आके जा सकता है, आपके घर का सब कुछ चोरी कर सकता है। जी बिल्कुल, आप इस बात में बिल्कुल सही हैं। जैसा कि अश्विनी जी ने बताया, एक फीडबैक वाला भी काफी रिव्यू एप्लीकेशंस के रीड करना भी बहुत जरूरी है। मैं इस बात को आगे लेते हुए आपको ये कहूंगा कि
इंडिया में इस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि एक प्रॉपर चैनल हो जिसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो। सबसे पहले तो इंडियन साइबर लॉ में अमेंडमेंट आने चाहिए, चेंजेज आने जरूरी है कि कुछ पुराने लॉ चल रहे हैं कुछ तो चेंजेस होने चाहिए। दूसरा, जो इंडियन लॉ एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनकी टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। कई बार होता है ये कि प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन आईओज हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना दूर हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले अवेयरनेस, तो क्राइम बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है कि अवेयरनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। साइबर क्राइम को अगर रोकना है तो अवेयरनेस सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। बट अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उनको इक्विपमेंट है या सॉफ्टवेयर्स हैं ये अवेलेबल करवाए जाए, तो इसमें काफी ज्यादा सुधार आ जाएगा टेक्नोलॉजी में और आप इजी वे में इस प्रॉपर केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे और एक प्रॉपर चैनल बन जाएगा। जी बिल्कुल, साइबर लॉ में अमेंडमेंट लाया जाए। और सबसे पहला और सबसे आखिरी जो सवाल है वो यही है, एवरीवन हैज टू बी वेरी अलर्ट। जब भी आप कोई भी एक क्लिक करते हैं, कोई भी फोन मिलाते हैं या कोई भी कहीं भी आप साइबर वर्ल्ड में जाते हैं, और एक क्लिक से पहले, बिफोर एवरी क्लिक यू मस्ट बी वेरी अलर्ट कि आप किसको नॉक करने जा रहे हैं, बिकॉज क्लिक इज लाइक डोरबेल। अब आपने अगर किसी गलत आदमी के घर की बजा दी तो हो सकता है वो आपको कुछ उल्टा सीधा भी बोल दे, और अगर आपने सही घर की बजाई तो मम्मा और पापा आपका वेलकम करेंगे। आप दोनों जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।